कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच गई है। यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी को अब बहन प्रियंका का भी साथ मिला है। प्रियंका गांधी पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं। तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बार फिर राहुल पर निशाना साधा। सद्दाम वाले लुक के बाद गांधी सरनेम पर सवाल उठा दिए। भाई बहन का साथ, भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका का परिवार। दक्षिण से शुरू हुई राहुल की राजनीति यात्रा मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में है। यात्रा के जरिए कांग्रेस को दोबारा केंद्र और राज्यों की सत्ता दिलाने की राहुल की मंशा कितनी सफल होगी, इसका आकलन अभी करना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से राहुल की यात्रा पुराने कांग्रेसियों का जोश हाई कर रहा है, उससे अब राहुल के हित मित्र और परिवार को भी लगता है कि राहुल गांधी का मेक ओवर हो जाएगा। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यही वजह है कि गुरुवार को जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बोरगोन पहुंची, तो वहां राहुल को उनकी बहन प्रियंका का भी साथ मिल गया। प्रियंका गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की चर्चा कई दिनों से हो रही थी और आखिरकार भाई राहुल का साथ देने के लिए प्रियंका पहुंच ही गई। 7 सितंबर को तमिलनाडु से इस यात्रा को शुरू होने के बाद प्रियंका पहली बार इसमें शामिल हुई हैं। वो 4 दिनों तक इस यात्रा का हिस्सा रहेंगी। प्रियंका गांधी के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनका बेटा रिहान वाड्रा भी पहुंचे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल हो चुकी हैं, लेकिन प्रियंका अब तक इसका हिस्सा नहीं बनी थी। अब उन्होंने इसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश को चुना है। इसके पीछे भी रणनीति है। दरअसल पिछले चुनाव में प्रियंका ने इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में रोड शो किए थे, तब कांग्रेस को कुछ सीटों पर फायदा हुआ था। अब मध्य प्रदेश भी धीरे धीरे चुनाव की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में प्रियंका को इस इलाके से रोड शो का हिस्सा बनाकर कांग्रेस सियासी फायदा भी तलाश रही है। लेकिन राहुल की यात्रा पर बीजेपी लगातार हमलावर है। एक दिन पहले असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल की तुलना सद्दाम हुसैन से की, तो अब राहुल के गांधी सरनेम पर भी सवाल उठा दिए हैं। भाई आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका सेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है, अगर आपको सेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाई आपका नाना था, कहां सद्दाम हुसैन जैसा सेहरा बना के देश में घूम रहा है, ये कैसा आप क्या कर रहे हैं देश में। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने देश का साथ बहुत बड़ा घोटाला किया। मैं कभी कभी बोलता है कांग्रेस से, आप क्यों गांधी परिवार का खिलाफ बोलता है? मैं बोला कौन सा गांधी परिवार, मैं तो जानता हूं मोहनदास करमचंद गांधी, उनका तो आप कोई बेटा बेटी नहीं है। बोला नहीं, हम भी गांधी है। मैं बोला ठीक है, आप गांधी कैसे बना, वो भी एक घोटाला है, कभी भी उनका भी इंक्वायरी होना चाहिए। असम में कांग्रेस की ताकत रहे हिमंता जब से बीजेपी में आए हैं, उनके निशाने पर हमेशा राहुल गांधी नंबर 1 पर रहे हैं, लेकिन अब हिमंता ने पूरे गांधी परिवार को ही निशाने पर ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।